हाय चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है, वो आपको दिखाई देता है क्या ड्रॉ किया है? वो सब पता चलता है? चलो मैं बता देती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम 26 जनवरी के बारे में सीखने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं आज कि उस दिन क्या क्या होता है, क्यों होता है ना? वो आप सबको पता नहीं है, थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी पता होगा, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। फिर आप सब, आपको क्या करना है, आपके मम्मी या पापा को उसके बारे में बताना है, ठीक है ना? ओके। अब उससे पहले आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द नेम ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश का नाम क्या है, पता है किसी को? व्हाट इज द नेम ऑफ अवर कंट्री, हम कौन से देश में रहते हैं, पता है? कोई बताएगा मुझे? हाँ, इंडिया। कौन से देश में रहते हैं हम? इंडिया। इंडिया इज अवर कंट्री, है ना? ओके। तो इंडिया को भारत भी बोला जाता है और हिंदुस्तान भी बोला जाता है, हिंदी में हिंदुस्तान, भारत, ऐसे उसके अलग अलग नाम है हिंदी इंग्लिश में। ओके। अब वो बताओ कि इन विच स्टेट डू वी लिव, कौन सी स्टेट में रहते हैं? स्टेट यानी राज्य, देश होता है उसके बाद राज्य आता है, तो हम इंडिया देश, इंडिया में तो रहते हैं, पर कौन से राज्य में रहते हैं वो बताओ मुझे। गुजरात में, हम कहाँ पे रहते हैं? गुजरात। तो द नेम ऑफ आवर स्टेट इज गुजरात, द नेम ऑफ आवर स्टेट इज गुजरात। तो हम इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, है ना? होली, दिवाली, उत्तरायण, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी तरह 26 जनवरी भी हमारा फेस्टिवल ही है, 26 जनवरी भी हमारा फेस्टिवल ही है, पर वो हमारा नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार है वो हमारा, क्या है? राष्ट्रीय त्योहार, उसको नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है ना? अभी थोड़े दिनों में 26 जनवरी आ रही है, तो उसका सेलिब्रेशन करना है, तो हम एडवांस में उसको सीखते हैं। ओके ओके। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश में हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे? रिपब्लिक डे। कौन सा डे? रिपब्लिक डे। ओके। तो ये नाम याद रखना है कि 26 जनवरी तो है, पर उसका नाम क्या है, वो फेस्टिवल का नाम क्या है? तो रिपब्लिक डे। ओके ओके। अब 26 जनवरी के दिन हम क्या क्या करते हैं पता है आपको? पता है? हाँ, उस दिन क्या क्या करते हैं, हमारी जो स्कूल होती है, कॉलेज होती है, बहुत सारी ऑफिस होती है, उसमें क्या होता है, उस दिन बहुत सारे लोग आते हैं और फिर हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको क्या करते हैं, लहराते हैं, उसको फहराते हैं, है ना? उस दिन सलामी ली जाती है और नेशनल एंथम भी गाया जाता है। और सबसे बड़ा नेशनल फेस्टिवल जो हमारा है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है पता है आपको? कहाँ पे होता है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली का नाम सुना है, वो एक क्या है, सिटी है, और हमारी कैपिटल, नेशनल कैपिटल भी है, हमारे देश की कैपिटल है, क्या है वो? देश की कैपिटल है। ओके। तो वो दिल्ली में सबसे बड़ा फेस्टिवल 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है, और वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, वो राष्ट्रपति वहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं, उसको होस्ट करते हैं, समझ में आया? ध्वज वंदन करते हैं, यानी उसका ध्वज वंदन करते हैं, और उस दिन बहुत सारे लोग जमा होते हैं क्योंकि उस दिन बहुत सारे प्रोग्राम
वहाँ पे होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम रखे होते हैं, तो वो प्रोग्राम देखने के लिए भी कई लोग आते हैं और पूरे दिन बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, बहुत उत्साह से सब लोग मनाते हैं। हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं, पर अभी तो ये कोरोना की वजह से हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो 26 जनवरी हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे। ओके, पर आप टीवी में दिखाई देता है उस दिन जो सेलिब्रेशन होता है, वो आप टीवी में देखना, और टीवी में देख के फिर सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो भी देखना, और फिर मम्मी पापा को कुछ ना पता चले तो पूछना। समझ में आया? हाँ, तो उस दिन सब जगह पे हमें बहुत ही उत्साह का वातावरण दिखाई देता है, सब लोग खुश होते हैं क्योंकि उस दिन 26 जनवरी होती है, और सबके हाथों में हमारा नेशनल फ्लैग होता है। हमारा नेशनल फ्लैग होता है उस दिन, आप भी आपके पापा या मम्मी को बोलोगे कि भाई मुझे भी नेशनल फ्लैग लाके दो, तो छोटा वाला नेशनल फ्लैग मिलता है, वो आप लेते हो मम्मी या पापा के पास से, है ना। फिर उसको पूरे दिन घर में लेके घूमते, वो बाहर भी जाए तो हम लेके जाते हैं, है ना। कि अब ये 26 जनवरी कब से सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1950 के दिन, 1950 से हम ये 26 जनवरी सेलिब्रेट की करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा जो देश है उसका संविधान लागू किया था। संविधान यानी कि जैसे हम देश में रहते हैं, हम स्कूल में भी आते हैं, तो उस स्कूल में कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, है ना। कुछ नियम होते हैं ना कि इतने टाइम पे आ जाना है स्कूल में, ये नहीं करना है, मस्ती नहीं करनी। तो वैसे ही हमारे देश के कुछ कायदे कानून थे, तो वो उस दिन लागू किए गए थे, 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किए गए थे। और किसने लागू करवाए थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा ये सारे नियम लागू किए गए थे। तो ये सारा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है। ओके, अब चलो मुझे बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, इट इज अवर नेशनल फ्लैग। इट इज अवर नेशनल फ्लैग क्या है? हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है। उसमें ऊपर वाला कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। बीच में कौन सा कलर होता है? व्हाइट। और नीचे लास्ट में कौन सा कलर होता है? ग्रीन। इस तरह से उसमें थ्री कलर होते हैं, और जो व्हाइट कलर का पट्टा होता है उसके बीच में क्या होता है? एक व्हील होता है, चक्र होता है, और उस चक्र में कितनी लाइनें होती है? 24 लाइन्स। कितनी लाइन्स होती है? 24 लाइन्स होती है। समझ में आ गया? थ्री कलर्स, देयर आर थ्री कलर्स इन अवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय झंडे में तीन कलर होते हैं, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, और व्हाइट कलर का जो स्ट्राइप है उसके बीच में 24 लाइन वाला व्हील होता है। समझ में आ गया? ओके, अब उस दिन क्या करते हैं कि सब लोग इसको सलामी देते हैं, है ना। उस दिन सलामी देते हैं, कैसे सलामी देते हैं? ये जो हमारी फिंगर्स होती है फाइव, उसको इस तरह से राइट साइड में रख के फिर इस तरह से हम उसको सलामी देते हैं कि। और नेशनल एंथम भी गाया जाता है उस दिन। नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत। आप स्कूल में आते थे तब गाते थे, है ना। तो आज हम नेशनल एंथम गाएंगे, और आप सबको क्या करना है, उस बीच आपको खड़े हो जाना है, और अगर आपको आता है तो आपको भी गाना है मेरे साथ, और खड़े होके स्ट्रेट ऐसे सीधे ही खड़े हो जाना है, हाथ आपके साइड में होने चाहिए, और बिल्कुल हिलना नहीं है, डोंट मूव, हिलना नहीं है। समझ में आया? तो आपको आता है तो आप गाएंगे। तो हम हमारे नेशनल फ्लैग के सामने गाएंगे, है ना।
ओके तो चलो आप स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, आपको आता है तो आपको भी स्टार्ट करना है। के जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल मंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंग उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय भारत माता की जय। जय हिंद। तो समझ में आ गया। और ये हमारा नेशनल एंथम जो है ना, वो 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। 52 सेकंड में ही कंप्लीट करना होता है। तो आपको भी घर पे ये नेशनल एंथम की प्रैक्टिस करनी है और आना चाहिए उसको। ओके। और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और सुनना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके। सो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस।